ड्राई कावेरी इंजन को बनाने के लिए अभी मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से हाई टेंसाइल अलॉय की पहली कंसाइनमेंट को सप्लाई कर दिया गया है। अगले हफ्ते ही भारत को 3 रफेल को डिलीवर किया जाने वाला है। साथ ही अप्रैल के एंड तक फ्रांस कुल मिलाकर 12 रफेल को भारत को डिलीवर करने वाला, जो कि पहले 10 तक होने की बात सामने आई थी। चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए अभी इंडियन नेवी की तरफ से अब एक मैसिव डिस्ट्रॉयर फ्लीट को बनाने का फैसला किया गया है, और ये डिस्ट्रॉयर सभी दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रॉयर्स होने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट की इंडो पैसिफिक कमांड के होने वाले चीफ की तरफ से भारत के S-400 डील के ऊपर सैंक्शन न लगाने के लिए सजेशन दिया गया है। और अंत में 25 से 27 मार्च के अंदर साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर भारत के गश्त पर आने वाले हैं, जिस दौरान काफी सारे पेंडिंग पड़े हुए डिफेंस डील को लेकर बातचीत होने वाली है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कावेरी इंजन को लेके। द हिंदू में एक रिपोर्ट के मुताबिक मिदानी यानी कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से अभी कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए पहली कंसाइनमेंट को सप्लाई किया गया। इसमें मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से हाई टेम्परेचर अलॉय को सप्लाई किया गया है, और इन सभी अलॉय को कावेरी इंजन के ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे आगे चल के हमारी घातक यूसीवी प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सकेगा। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के CMD के मुताबिक इस पहली डिस्पैच के अंदर निकेल बेस सुपर अलॉय और टाइटेनियम बेस अलॉय को सप्लाई किया गया है। इन सभी सिस्टम को पहले से एयर रुथिनस सर्टिफिकेट मिल चुकी है और अब इनको बार्स की फॉर्मेट में सप्लाई किया जा रहा है, जिनको आगे चल के एयरो इंजन के अलग अलग क्लास 1 और क्लास 2 स्टेज के कॉम्पोनेंट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इन सभी सिस्टम को बनाने के लिए अभी लगभग 75% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। अगला अपडेट रफाइल को लेके। एक या दो दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से अप्रैल की एंड तक रफाइल की सेकंड स्क्वाड्रन को फॉर्म किया जाने वाला है, और अप्रैल की एंड तक फ्रांस की तरफ से भारत को लगभग 10 रफाइल को डिलीवर किया जाएगा, जिनमें से 7 रफेल की पहली स्क्वाड्रन में शामिल किए जाएंगे और बाकी जो 3 रहेंगे उनको हसीमार एडवेस्ट शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां पर रफेल की दूसरी स्क्वाड्रन को शुरू किया जाएगा। लेकिन आज इसको लेकर कुछ और अपडेट सामने आई है। अभी आई अपडेट के मुताबिक अप्रैल की एंड तक 10 नहीं बल्कि 12 रफेल भारत को मिलने वाले हैं। अभी फ्रांस की तरफ से लगभग 7 रफेल को फ्रांस में इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग फैसिलिटी में डिलीवर किया जा चुका है, जिसमें 3 अभी हमें अगले हफ्ते तक ही डिलीवर कर दिया जाएगा, और फिर अप्रैल के बीच में हमें 9 और रफेल को डिलीवर किया जाएगा, जिनमें 4 रफेल अम्बाला एयरबेस में रहेंगे और बाकी बचे सभी रफेल को हसीमारा एयरबेस में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां पर रफेल की दूसरी स्क्वाड्रन को फॉर्म किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक अभी हमारे ऑफिसर फ्रांस की मेरिगनैक एयरबेस में पहुंच चुके हैं और अभी रफेल्स को भारत लाने की प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। अभी इनको सीधे भारत लाने के बदले UAE की अल दफरा एयरबेस में पहले लाया जाएगा और उसके बाद वहां पर एक स्टॉप करने के बाद इनको भारत लाया जाएगा। साथ ही इनको भारत लाते वक्त जरूरत पड़े तो फ्रेंच एयरफोर्स के टैंकर हमेशा इनको रिफिल करने के लिए स्टैंड बाय रहने वाले हैं। इन 3 रफेल को अभी 30 या 31 मार्च को भारत को लाने का प्लान किया गया है, और इसके बाद हमारे एयरफोर्स के चीफ भी फ्रांस के गश्त पर जाने वाले हैं, और उनकी इस विजिट के दौरान फ्रांस की तरफ से 9 और रफेल को भारत को देने का फैसला किया गया है, जो कि शायद 20 से 22 अप्रैल के बीच भारत को डिलीवर करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और ये कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को लेकर सुबह से मुझे काफी सारे मैसेज आ चुके हैं, तो मैं इसको बताना आपको जरूरी समझ रहा हूँ। वैसे आप सब जानते हैं कि चाइना के पास अभी जो डिस्ट्रॉयड फ्लीट मौजूद है वो दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रॉयड फ्लीट में गिने जाते हैं। स्पेशली चाइना की टाइप 55 क्लास की वेसल्स की बात करें तो ये लगभग 12,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले वेसल हैं, और अगर इनके साथ हम इंडियन नेवी की टॉप ऑफ द लाइन विशाखापट्टनम क्लास की शिप्स को भी कंपेयर करेंगे तो इनकी डिस्प्लेसमेंट लगभग 8,200 टन के आसपास होने वाली है, जिस वजह से ये हमारे वॉरशिप्स के मुकाबले काफी ज्यादा वेपन को कैरी कर सकते हैं, और फायर पावर के मामले में इंडियन नेवी की कोई भी वेसल चाइना की टाइप 55 क्लास की शिप्स को मैच नहीं कर सकता है। और चाइना आगे चल के ऐसे कम से कम 18 वॉरशिप्स को बनाने का प्लान कर रहा है, जो कि ग्लोबल वाटर में उसे रूल करने में काफी मदद करने वाला है। अब भारत की तरफ से भी चाइना के इस खतरे को देखते हुए और उसको काउंटर करने के लिए एक मेगा वॉरशिप प्रोजेक्ट को शुरू करने का फैसला किया गया था। ये भारत की प्रोजेक्ट 15B क्लास की वॉरशिप या विशाखापट्टनम क्लास की डिस्ट्रॉयर फ्लीट का एक फॉलो ऑन प्रोजेक्ट होने वाला है। इसका नाम प्रोजेक्ट 18 रखने का फैसला किया गया था, और इसके अंदर भारत कुल मिलाकर 6 वॉरशिप्स को बनाने का प्लान कर रही है,
और ये वॉरशिप्स चाइना की टाई 55 क्लास के डेस्ट्रॉयर्स को हर क्षेत्र में आउट परफॉर्म करने वाला है। इनकी स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये लगभग 13,000 टन से लेके 13,500 टन के आसपास होने वाला है और ये आगे चल के दुनिया की सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर होने वाले हैं। इसको भारत का नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम के अंदर बनाया जाने वाला है और इसी क्लास की पहली शिप को 2028 तक लॉन्च करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट एक छोटी सी अपडेट होने वाली है। अब सबको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि यूके की एक मैगजीन की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि पूरे दुनिया भर में चाइना अभी सबसे ताकतवर मिलिट्री बन चुका है और यूनाइटेड स्टेट को ओवरटेक करने के बाद चाइना अभी दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री के लिस्ट में पहले नंबर में आ चुका है। हालांकि उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि रिपोर्ट काफ़ी हद तक अजीब लग रहा था क्योंकि चाइना भले ही अपनी मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन चाइना के मिलिट्री को आज तक कोई भी जंग लड़ने का अनुभव नहीं है और ना ही बजट के मामले में चाइना भी यूनाइटेड स्टेट को टक्कर दे सकता है। अभी फिलहाल चाइना मैनपावर और नेवल एसेट के मामले में यूनाइटेड स्टेट को थोड़ा ओवरटेक कर चुका है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना दुनिया की टॉप मोस्ट मिलिट्री बन सकता है। और सबसे स्ट्रेंज फैक्टर ये था कि इसमें चाइनीज मिलिट्री को सबसे टफ मिलिट्री बताया गया था जबकि आज तक उनको एक भी लड़ाई लड़ने का अनुभव नहीं है और उनकी मिलिट्री में आधे से ज्यादा अभी पीस टाइम डिजिट से गुजर रहे हैं। फिलहाल आज ग्लोबल फायर पावर की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था जिसमें आज की दौर में टॉप 10 मिलिट्री की लिस्ट को पेश किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की तरफ से किसी भी देश की रैंकिंग को तय करने के लिए लगभग 55 बैरल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें उनकी वेपन्स, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन पावर, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल कंडीशन सबको मेजर किया जाता है और इन सभी को मेजर करके 0.4 डिजिट का एक पावर इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की तरफ से जो लिस्ट को तैयार किया गया है उसमें यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर में है और यूएस को टोटल 0.072 का रेटिंग दिया गया और इसके बाद रशिया 0.080 रेटिंग के साथ सेकंड पोजीशन में है, चाइना 0.086 पॉइंट के साथ थर्ड पोजीशन में है और इंडिया 0.121 पॉइंट के साथ फोर्थ पोजीशन पे मौजूद है। इसके अलावा अभी टॉप 10 लिस्ट में पाकिस्तान भी मौजूद है और पाकिस्तान अभी 0.208 पॉइंट के साथ 10वें पोजीशन में मौजूद है। अगला अपडेट फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज ला पेरूज को लेके है। लगभग एक महीने पहले इस एक्सरसाइज में भारत को शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसको लेकर तर्क किया जा रहा था क्योंकि वैसे भी अभी फ्रांस के साथ भारत का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है और डिप्लोमेटिक और डिफेंस रिलेटेड रिलेशन में भारत और फ्रांस अभी काफ़ी करीब आ चुके हैं। इसी बीच जब फ्रांस बे ऑफ बंगाल में अपनी ला पेरूज एक्सरसाइज को करने वाला है तो इसमें भारत को भी शामिल होना चाहिए था इसको लेके काफी सारे लोग समर्थन कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो है कि इसमें सभी क्वाड नेशन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अभी पता लगा कि इसमें ऑफिशियली भारत भी शामिल होने वाला है और इसे 5 से लेकर 7 अप्रैल तक करने का प्लान किया गया है। इसमें अभी यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इससे पहले भारत को इसमें शामिल करने के लिए ऑफिशियली इन्वाइट नहीं किया गया था लेकिन अभी भारत को ऑफिशियली इसमें शामिल करने की बात सामने। अब इसके तुरंत बाद ही फ्रांस और भारत के बीच एक और नेवल एक्सरसाइज को भी करने का प्लान किया गया है जिसको वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में कंडक्ट किया जाएगा। इस एक्सरसाइज का नाम वरुणा होने वाला है जो कि एक रेगुलर एक्सरसाइज है लेकिन इस बार इसमें फ्रांस और भारत के साथ यूएई भी शामिल होने वाला है। अगला अपडेट भारत, यूनाइटेड स्टेट और रशिया को लेकर। पिछले कुछ सालों से और स्पेशली भारत और रशिया के बीच S-400 डील साइन होने के बाद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कई बार भारत को S-400 डील से पीछे हटने के लिए कहा जा चुका है और रशिया के साथ कोई भी मेजर डिफेंस डील को ना करने के लिए कहा जा चुका है वरना भारत के ऊपर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से काटसाट के अंदर हर सैंक्शन को लागू किया जा सकता है। इस बात को लेकर पिछले कुछ सालों से तर्क वितर्क चलता आ रहा है लेकिन अभी पहली बार यूनाइटेड स्टेट के ऑफिशियल्स की तरफ से ये बताया गया कि अगर यूनाइटेड स्टेट को भारत के साथ बेहतर रिलेशन को मेंटेन करना है तो यूनाइटेड स्टेट को भारत का रशिया के साथ जो डिफेंस रिलेशन है उसको समझना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में ही जब यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस सेक्रेटरी भारत के गश्त पर आए थे तो उस दौरान उन्होंने काटसाट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया था लेकिन उन्होंने भारत को रशिया के साथ कोई भी मेजर डिफेंस डील ना करने का परामर्श दिया था। इसी बात को लेकर अब यूनाइटेड स्टेट की इंडो पैसिफिक कमांड के होने वाले कमांडर जॉन एक्यूलिनो ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट को रशिया और भारत के बीच के रिलेशन को समझना चाहिए। उनकी यूनाइटेड स्टेट के सीनेटर की तरफ से ये सवाल किया गया था कि क्या भारत के ऊपर S-400 डील की वजह से सैंक्शन लगाना चाहिए तो इसका जवाब देते उन्होंने बताया था कि वैसे तो ये डिसीजन यूनाइटेड स्टेट की पॉलिसी मेकर ही लेने वाले लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले यूनाइटेड स्टेट को ये जानना चाहिए कि साउथ एशिया में भारत यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और इसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। अभी पिछले कुछ सालों में यूनाइटेड स्टेट और भारत का डिफेंस रिलेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन काफी बेहतर हो चुका है और ये आगे चल के और भी बेहतर होने वाला है।
इसके लिए यूनाइटेड स्टेट को भारत को अपने डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए इनकरेज तो करना चाहिए, पर अगर यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर भारत को रशियन सिस्टम को ना खरीदने के लिए प्रेशराइज करता रहेगा तो ये यूनाइटेड स्टेट और भारत के रिलेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। भारत अपने डिफेंस सिस्टम के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है और काफी अरसे से रशियन डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता आ रहा है, तो अगर यहाँ पर यूएस इसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो इसे चाइना को फायदा होने वाला है और भारत को नुकसान होने वाला है, जो कि इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट की पावर को साउथ एशिया में कम करने वाला है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने यूनाइटेड स्टेट की सीनेट में भारत और रशिया के डिफेंस डील के ऊपर सैंक्शन ना लगाने का प्रस्ताव दिया है। अगला अपडेट ऑफशोर पेट्रोल वेसल को लेके, और इसके अंदर हम दो अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से अभी इंडियन नेवी की एक और ऑफशोर पेट्रोल वेसल की मेजर रिफिट को कंप्लीट किया जा चुका है और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से लगातार तीसरी बार है जहां पर इंडियन नेवी की ऑफशोर पेट्रोल वेसल की मेजर रिफिट को टाइम के अंदर पूरा किया गया है। इससे पहले ही मार्च की शुरुआत में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से आईएनएस सुतलज को भी रिफिट करके डिलीवर किया गया था। साथ ही दूसरी अपडेट की बात करें तो अभी साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर भी भारत के गश्त पर आने वाले और उनकी इस विजिट के दौरान भारत और साउथ कोरिया के बीच कुछ मेजर डिफेंस डील को लेकर बातचीत होने वाली है। हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर अभी 25 से 27 मार्च तक भारत के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान दोनों ही देशों के बीच कुछ मेजर डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर बातचीत होने वाली है। तो यहां पर काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ माइनसवेयर वेसल की टेंडर को लेकर बातचीत होने वाली है, जिसमें साउथ कोरिया की शिपबिल्डिंग कंपनी कंगनम कॉरपोरेशन को लोएस्ट बिडर घोषित किया गया था। इसमें प्राइस को लेकर भारत और साउथ कोरिया के बीच थोड़े नेगोशिएशन चल रहे थे, जिसके फाइनल होने के बाद इस टेंडर को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही भारत की शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस गन और मिसाइल टेंडर में भी साउथ कोरिया की हनावा डिफेंस की हाइब्रिड वीओ सिस्टम को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन इसके बाद भी अभी तक इस डील को फाइनल नहीं किया गया, तो उस डील को भी अभी फाइनल करने के लिए आगे डिस्कशन किया जा सकता है और इस दौरान इसको लेके भी डिस्कशन होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।